हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आ गई एक बहुत मस्त वाला व्लॉग लेके। यस, तो आज का व्लॉग होने वाला है अबाउट सम मेकअप प्रोडक्ट्स एंड गेट रेडी विद मी फॉर माय बेस्ट फ्रेंड और वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंगेजमेंट। यस, तो बिना देरी के शुरू करते। अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ है अपने फेस पे, तो करें शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑफकोर्स मैंने फेस वॉश किया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा होता है, आपने मेरे अगर प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, टोनर, दैट इज आई यूज गुलाब जल। यस, एंड जो भी मैं लाइक स्टेप करने वाली हूँ उनके बाद में थोड़ा गैप दूंगी, बट ऑफकोर्स मैं वीडियो में वो गैप शो नहीं कर सकती। बट आप ये मत समझना कि मैं बैक टू बैक मेकअप प्रोडक्ट यूज किए जा रही हूँ। नहीं, हमें थोड़ा सा एक गैप देना होता है कोई भी एक प्रोडक्ट हमारे स्किन पे लगाने के बाद, ताकि वो हमारे स्किन में प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो जाए और वो सेट हो जाए। तो जैसे कि मैंने अभी लगा लिया है रोज़ वाटर और ये जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है। अब लगाएंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट गुलाब जल। के बाद मैं लगाती हूँ फेस सीरम, दैट इज आज मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पैरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम। तो एक्चुअली मैं दो तीन सीरम रखती हूँ, फिर जो मेरा मन करता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। ये वाला मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें बचा कितना हुआ मुझे ये भी नहीं पता एक्चुअल में, तो बट इट्स ओके। सीरम बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, कहीं ना कहीं हाइड्रेट करता है हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा। सो इट्स मसाज इन योर स्किन। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट अब मैं लगाने वाली हूँ आफ्टर सीरम, दैट इज़ मॉइस्चराइजर। अभी गर्मी है और डे टाइम है, तो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ पोर्स का लाइट जेल, जो इनफ रहता है एक्चुअली, क्योंकि मेरी स्किन जो है क्या है, नॉर्मल टू ड्राई है। हाँ, गर्मी है, वैसे भी स्वेटिंग रहती है, तो इतना ड्राई फील होता नहीं है, इसलिए आई एम यूजिंग दिस पोर्स जेल, ताकि वो थोड़ा मॉइस्चर भी रखे मेरी स्किन पर और बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस भी फील ना हो। तो लेट्स spread it properly. And important thing is that जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगा रहे हो, कहीं ना कहीं अपने फेस लाइक नेक रीजन तक अप्लाई करो। ऐसा ना हो कि यहाँ आपको अलग से चांद दिखे और यहाँ आपको अलग से रात दिखे। Of course, it should not be like a huge difference between your neck and your face. So yes, after moisturizer अब मैं लगाने वाली हूँ this is a प्राइमर एक्चुअली हाईलाइटर प्राइमर। इट एक्ट इज अ बोथ थिंग, ये दोनों तरीके से काम करता है। और ये है स्विस ब्यूटी का, तो और ये काफ़ी अच्छा एक ग्लिटरी सा ग्लो देता है। सो मैं इसको एज अ बेस यूज़ करने वाली, अदरवाइज मैं इसको आफ्टर मेकअप एज अ हाईलाइटर यूज़ करती हूँ, बट आज मैं इसको एज अ बेस यूज़ करूँगी, ताकि जो मेरा बेस है मेकअप का वो थोड़ा सा ग्लोई रहे। आई नो राइट नाउ आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिखा है मेरे मेकअप में, बट कम्प्लीट मेकअप होने के बाद ऑफकोर्स यू विल नोटिस दैट। तो ये मैंने लगा लिया है एक बेस, ताकि लाइक प्राइमर बेस जो मेरे मेकअप को सेटल रखेगा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो आज मैं एक्चुअली फाउंडेशन, मेरा मन नहीं करा लगाने का कि बहुत ही ज़्यादा ओवर मेकअप हो जाएगा। डे मेकअप मैं बहुत लाइट प्रेफर करती हूँ, तो आई एम यूजिंग दिस पॉन्ड्स बीबी क्रीम जो मैंने अभी मंगवाई है जस्ट फॉर टेस्टिंग, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता इसका क्या टेक्स्चर होगा और क्या ये मेरे स्किन पे कितना अच्छा लगेगा कितना नहीं। तो लेट्स सी। और कलर जो है वो मैंने मंगवाया है ऑलमोस्ट अपने स्किन टोन के ही जैसा, कि बहुत ऐसा ना लगा लगाने के बाद कि उसने मेरी स्किन को बहुत ओवर कोरा कर दिया है। So let's apply it properly. और ब्लेंडिंग आज मैं अपने हाथों से करने वाली हूँ, अदरवाइज ब्यूटी ब्लेंडर से मैं आराम से करती हूँ, बट इफ यू लाइक टैप लाइक दिस ना, इट विल ब्लेंड प्रॉपरली। सी, ब्यूटी ब्लेंडर मेरे लिए आपको चाहिए था अगर आप अ लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज कर रहे हो, अदरवाइज एक सिंगल लेयर आप इजिली ब्लेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, लाइक जस्ट टैप 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 एंड स्प्रेड इट। नोज एरिया ऑल्सो ब्लेंड इट लाइक दिस। एक्चुअली जैसे फॉर एग्जाम्पल डार्क सर्कल्स हैं या थोड़े थोड़े जो भी डार्क स्पॉट है ना, वहाँ पे मैं एक कंसीलर स्टिक है, काइंड ऑफ क्रीम स्टिक है ब्लू हेवन की,
तो इसको यूज करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे जो डार्क सर्कल है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। मुझे बहुत ही लाइट मेकअप पसंद है, डे टाइम में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो जो लेयर्स और वो कैकीनेस दिखे मेरे फेस पे। तो यस, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। यस, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पाउडर, लॉकिंग पाउडर। क्योंकि जो भी मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किए, थोड़े टाइम के बाद ये ग्रीसी से फील होने लगते हैं, लाइक चिपचिपा सा फील होने लगता है, तो वो चीज़ मुझे ना फील हो उसके लिए मैंने मंगवाया है ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिश पाउडर, जिसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी डाली थी। ओह गॉड, आई जस्ट होप आई विल डू प्रॉपरली। और जो भी ये मेकअप प्रोडक्ट आज मैं यूज़ कर रही हूँ, सभी के सभी मैंने नंबर वन मेरी स्किन टोन से मैचिंग के ही यूज़ किया, क्योंकि मुझे लाइक मेरी स्किन टोन ओके है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो मुझे नहीं चाहिए कि उसको मैं एक स्किन और लाइटर करके बहुत ही ज़्यादा बंदर जैसे अपना फेस बना लूँ। तो इसलिए मैं अपने स्किन टोन का ही मेकअप करती हूँ, जस्ट बेसिकली टू जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या फिर डार्क सर्कल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए। सो या, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब बारी आती है अपने गालों को लाल करने की, एंड दैट मीन्स ब्लश लगाने की। तो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की ही है, ये इसमें बेक्ड ब्लशर एंड हाईलाइटर दोनों चीज़ें हैं। सो लेट्स ट्राई, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं ना इसमें, आई जस्ट लव। सारा मेकअप आज मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से करने वाली हूँ। ये बहुत ज्यादा पिंक ना हो, पता नहीं मुझे कैमरा में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मेकअप हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या बाद में जब मैं मिरर में देखूंगी तब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ ज्यादा ही हो गया है। आई थिंक लग रहा है बहुत है यार, कुछ ज्यादा भी पिंक पिंक नहीं बनना। चलो अब बारी आती है हाईलाइटर की, और हाईलाइटर में मैं जो बेस में मैंने यूज किया था प्राइमर, आई एम यूजिंग द सेम वन, क्योंकि ये बहुत अच्छे शाइन करता है। लाइक टेक दैट मच एंड जस्ट ग्लाइड ओवर हेयर, लिटिल बिट हेयर, हेयर एंड हेयर। तो चलो जो बेस है मेरा, अब मुझे ये लग रहा है नो मेकअप मेकअप लुक होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फेस पे मेकअप जाग आ रहा है। अब बारी आती है आई मेकअप की, ऑफकोर्स ये भी मैं बहुत ही लाइट रखने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट आई विल अप्लाई दिस बेस विद अ वाइट आई शेडो पाउडर, सो दैट मच इज ओके। नाउ लेट्स अप्लाई लिटिल बिट ग्लिटर, और आई शुड नॉट ओके अप्लाई, थोड़ा सा तो बनता है यार। मूव टू आईब्रोज, एंड एक्चुअली मैंने आईलाइनर भी लगाया, मैं सोची हूँ मैं ड्रेस डालने के बाद करूँ, ऐसा ना कि मैं ड्रेस पहन लूँ वो खराब हो जाए। ओके अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं। सो या, मैं हो गई रेडी, दिस इज माय ड्रेस, इट्स अ वेरी लाइट ग्रीन कलर, और हाँ आई होप अच्छा लगे। फुल ड्रेस मैं पूरा रेडी होने के बाद दिखाऊंगी आपको। तो अब रह जाता है मेरा आईलाइनर एंड माय लिपस्टिक और मेरे गद्दे से बाल। सो लेट्स डू इट। तो आईलाइनर लग गया है, यस। सो यस, आईब्रोज भी हो गई है, अब लास्ट रहता है मेरा लिपस्टिक्स का। तो लिपस्टिक अप्लाई करते हैं और बाल बनाते हैं जल्दी से, फिर दिखाती हूँ आपको मैं मेरा फाइनल लुक। सो दिस इज माय फाइनल लुक, और मैंने बाल सेट कर लिए स्ट्रेटनर से, और थोड़े से नीचे से कर्ल करने की ट्राई कर रही थी बट अच्छे से हो नहीं पाए। और अब मैं लगाऊंगी बिंदी, आई लव बिंदी सो मच। अदरवाइज मैं ब्लैक बिंदी लगाती हूँ बट आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं दूसरी लगाती हूँ। फिर मैंने पहने अपने झुमके, ड्रेस से मैचिंग के ग्रीन कलर के झुमके मैंने पहने, और मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी। और मैं आपको अभी अपना पूरा ड्रेस भी दिखा देती हूँ जल्दी से,
सो यस, दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक एंड माई कम्प्लीट ड्रेस. तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. टाटा बाय बाय.